evaluate limit h tends to 0, x plus h to the whole power में root under x plus h minus x to the power में root under x by h, where x is positive, ये दिया हुआ है और h tends to 0 है, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम e to the power में log बेस e का, ठीक है, e to the power में log बेस e x अगर लिखते हैं तो यहाँ आता है x, ठीक है। अगर x के पावर x लिखेंगे तो यहाँ x के पावर x आता है, ये log का प्रॉपर्टी होता है, मतलब x के पावर x को हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो x प्लस h का पावर में है रूट अंडर x प्लस h, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो हो गया, तो लिखेंगे e का पावर में log और x प्लस h का पावर में रूट अंडर x प्लस h, लिख सकते हैं इस फार्मूला से। माइनस सिमिलरली यहाँ भी वही करेंगे, e के पावर में log x टू दी पावर में रूट अंडर x, ठीक है, और डिवाइड में h है, डिवाइड में h रहने देंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है लिमिट h टेंस टू जीरो, तो ये जो पावर होता है log में ये इनटू में आ जाता है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, e के पावर में रूट अंडर x प्लस h इंटू लॉग ऑफ x प्लस h होगा माइनस, अच्छा माइनस नीचे में होगा क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है ना, हाँ इस लाइन में होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर में रूट एक्स इंटू लॉग एक्स होगा इतना, और डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में h रहने देते हैं। ओके, इसका देखो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू जीरो, अब जो e के पावर में रूट एक्स इंटू लॉग एक्स है ना, उसको कॉमन लेते हैं हम लोग, उसको कॉमन लेते हैं e के पावर में रूट एक्स इंटू लॉग एक्स, जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ तो है नहीं, डिवाइड जाएगा, डिवाइड मतलब पावर माइनस, डिवाइड मतलब पावर माइनस, इसीलिए e के पावर में रूट अंडर x प्लस h इंटू लॉग ऑफ x प्लस h, और यहाँ पे होगा माइनस ऑफ रूट एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, क्योंकि e का पावर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे है नहीं, और माइनस में वन बचेगा, और डिवाइड में देखो डिवाइड में h लिखा हुआ है, तो डिवाइड में h रहने देंगे, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो ये जो चीज़ लिखा हुआ था, ये e के पावर में रूट एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो ये हम किसको लिखे थे, e के पावर में रूट एक्स इंटू लॉग एक्स किसको लिखे थे, x टू दी पावर रूट एक्स का, तो ये जो कॉमन लिए हैं बाहर में इसको हम लिख देते हैं x के पावर रूट एक्स, ताकि ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो e के पावर जितना लिखा हुआ है, e के पावर जितना लिखा हुआ है, वहाँ से हम देख सकते हैं कि उसका वैल्यू जब h का वैल्यू जीरो रखते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, जब h का वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये देखो रूट लॉग एक्स प्लस जीरो लॉग एक्स, और ये कितना रूट एक्स, तो रूट एक्स लॉग एक्स माइनस रूट एक्स लॉग एक्स, e के पावर जीरो, ठीक है, तो ये जीरो आ जाएगा। तो जब e के पावर जीरो आता है एक फार्मूला होता है, e के पावर में x माइनस वन बाई एक्स, जब x टेंस टू जीरो होता है तब, तो वैल्यू कितना होता है, वैल्यू होता है वन, तो इसी फार्मूला पे बेस्ड हम करना चाहते हैं इसको, इसलिए जितना भी पावर में लिखा हो उसको हम डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे। देखो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस एच ऑफ लॉग एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स लॉग एक्स माइनस वन, और डिवाइड में देखो लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं रूट अंडर एक्स प्लस एच इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स लॉग एक्स, ठीक है, वो डिवाइड किए, डिवाइड किए और यहाँ पे इंटू करेंगे, रूट अंडर एक्स प्लस एच इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स लॉग एक्स, और डिवाइड में यहाँ पे एच लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस इसको जितना ऊपर में पावर था उससे हम डिवाइड किए, यहाँ पे डिवाइड किए और यहाँ पे इनटू किए, ठीक, क्योंकि ये जीरो हो रहा था। तो अब देखो ये जो लिमिट है, लिमिट दोनों जगह चला जाता है, दो अगर प्रोडक्ट में दो फंक्शन है तो लिमिट दोनों जगह प्रोडक्ट में चला जाएगा, मतलब यहाँ भी लिमिट होगा और यहाँ भी लिमिट होगा। तो फर्स्ट वाला ये जो लिमिट है, ये e के पावर में x माइनस वन बाई एक्स है, और ये वैल्यू टेंस टू जीरो, इसके इसलिए इसका वैल्यू वन हो जाएगा, ये हम यहाँ लिख देते हैं, जब ये यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा x टू दी पावर में रूट एक्स इंटू वन, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, तो लिमिट अच्छा h टेंस टू जीरो है ना लिमिट, तो सॉरी लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो चल रहा है, और देखो यहाँ पे जो रूट रूट अंडर x प्लस h है, ठीक है, उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो log ऑफ x प्लस h है ना, यहाँ से x कॉमन लेंगे, देखो ये हो जाएगा रूट अंडर x प्लस h, और यहाँ लिखेंगे log ऑफ x इंटू वन प्लस एच बाई एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ रूट एक्स लॉग एक्स होगा, और डिवाइड में h है,
इसके बाद ये एक्स टू दी पावर में रूट एक्स रहने देंगे इंटू, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। और देखो लॉग एक्स इंटू वन प्लस एच बाई एक्स है, तो लॉग ए इंटू बी का क्या फार्मूला होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है ना, तो यहाँ रूट अंडर एक्स प्लस एच करेंगे और इसको दो लॉग में कन्वर्ट कर दें, मतलब लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स ये में, और माइनस है रूट एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो गया और डिवाइड में हो गया एच, ठीक है यहाँ तक। अब देखो एक्स टू दी पावर में रूट एक्स रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, और इसको इंटू करते हैं, जब इसको इंटू करेंगे तो रूट अंडर एक्स प्लस एच इंटू लॉग एक्स, और ये माइनस जो है ये आगे लिखते हैं माइनस रूट एक्स लॉग एक्स। अब ये रूट अंडर एक्स प्लस एच को इससे इंटू करेंगे प्लस के साथ, तो रूट अंडर एक्स प्लस एच इंटू लॉग ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स, और डिवाइड में क्या एच है, तो डिवाइड में जो एच है वो दोनों में देते हैं, यहाँ भी एच देंगे प्लस है ना बीच में, और यहाँ भी एच देंगे, ठीक है। अब देखो ये एक्स टू दी पावर में रूट एक्स होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और लिमिट यहाँ पे एच टेंस टू जीरो है। इससे हम लोग लॉग एक्स कॉमन निकालते हैं, जब इससे लॉग एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो रूट अंडर एक्स प्लस एच माइनस रूट अंडर एक्स, डिवाइड में एच है ना, डिवाइड में एच है तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस करेंगे और एक्स माइनस करेंगे, ठीक है, ये ताकि एक फॉर्मेट में सेट हो गया, ठीक है, कौन सा फॉर्मेट में सेट हुआ बताते हैं, यहाँ पर रूट अंडर एक्स प्लस एच है और यहाँ पे हम लोग एक्स से डिवाइड करेंगे और एक्स से इंटू करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे एक्स डिवाइड में एक आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई एच बाई एक्स ये होगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा वो हम लिख देते हैं साइड में, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर में एन माइनस ए टू दी पावर में एन बाई एक्स माइनस ए, ये होता है, दिस इक्वल टू होता है एन इंटू ए के पावर में एन माइनस वन, ठीक है, ये होता है। उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स टू दी पावर रूट एक्स है रहने देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो लॉग एक्स है, लॉग एक्स है, ठीक है, लॉग एक्स है, और अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम ब्रैकेट लिख देते हैं क्योंकि इसी का बना है, इसके बाहर में एक्स टू दी पावर रूट एक्स था, ठीक है, तो देखो लॉग एक्स लिखते हैं और ये जो वैल्यू है एन के प्लेस पर 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और एक्स के पावर में 1/2 माइनस वन, ठीक है, प्लस अब एच का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये रूट अंडर एक्स बाई एक्स है तो 1/√x हो जाएगा ना, 1/√x हो जाएगा इनटू, और यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये जो चीज़ है इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे देखो बता देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू होता है वन जब एक्स टेंस टू जीरो होता है, तो एच बाई एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि एच का वैल्यू जीरो है, तो इसलिए लॉग वन प्लस एच बाई एक्स बाई एच बाई एक्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना वन, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स टू दी पावर में रूट एक्स है और यहाँ पे 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, तो लिख देते हैं लॉग एक्स बाई टू रूट एक्स प्लस, और ये हो जाएगा 1/√x, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व होगा क्योंकि रूट एक्स जो है वो बाहर कॉमन ला सकते हैं, अगर यहाँ तक छोड़ते फिर भी आंसर है, तो ये हो गया आंसर एक्स टू दी पावर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स बाई टू रूट एक्स प्लस 1/√x, ये हो गया लिमिट का वैल्यू, ओके।